हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे चैनल लर्न स्क्वाड पर हम एसएससी जेई मेंस के लिए आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी की सीरीज में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां पर हम जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं थ्योरी से रिलेटेड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के या फिर कोई न्यूमेरिकल, उन सारी चीज़ों को हम इस सेशन में कंटिन्यूएशन में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कास्टिंग, और यहाँ पर हम कास्टिंग में पूछे गए थ्योरी से रिलेटेड या किसी भी तरीके के कोई न्यूमेरिकल आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है आपका डिस्क्राइब डाई कास्टिंग प्रोसेस एंड विद द हेल्प ऑफ नीड स्केच डिफ्रेंशिएट अमंग कोल्ड चैम्बर, हॉट चैम्बर एंड इंजेक्शन मोल्डिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एसएससी जेई मेंस 2011 में 20 मार्क्स का। ठीक है, देखिए वैसे तो थ्योरी लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप एक बार थ्योरी से बहुत अच्छे से रूबरू हो जाएंगे, उसको समझ लेंगे, तो आप बहुत ही इजीली उसको आंसर दे सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है अगर आप उसको समझ चुके हैं कि क्या लिखना है हमको। देखिए थ्योरी में होता बहुत सारा पार्ट है, लेकिन हमको यहाँ पर सिलेक्टेड कंटेंट लिखना है क्योंकि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, हमें उस लिमिटेड पर्टिकुलर टाइम में सारी चीजों को लिखना है। तो इसलिए आप देखिए पढ़ करके सारी चीजें जाइए और वहां पर पॉइंट वाइज चीजों को प्रोवाइड करिए। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है डाई कास्टिंग, तो हम देखेंगे डाई कास्टिंग होती क्या है। यहां पर मैं आपको प्रोसेस के बारे में जो पूछा गया है वो डिस्कस करूंगा, थ्योरी बोर्ड पर मैं नहीं लिख सकता हूं, तो जितनी भी थ्योरी रिलेटेड टू द क्वेश्चंस होंगी वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले उसने पूछा था डाई कास्टिंग, देखिए कास्टिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, कास्टिंग का मतलब होता है मटेरियल को पिघला करके उसकी कैविटी में पोर करना। ठीक, यहां पर वो पूछ रहा है डाई कास्टिंग। ठीक है, डाई कास्टिंग एक सिंपल मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल्स की बनी हुई डाई में लिक्विड मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, और ये जो लिक्विड मोल्टन मेटल होता है परमानेंट बनी हुई कैविटीज में पोर किया जाता है। ये जो परमानेंट कैविटीज होती है, These are made up of metals. Metallic cavity. ठीक है, ये जो कैविटी है वो मेटल के प्लेट्स में बनी होती है, और these all are of permanent type. ये जो कैविटी है ये परमानेंट है। This process is also similar to the permanent mold casting. तो यहाँ पर जो ये जो डाई है आप इसको reuse कर सकते हो, जैसा कि हमने sand casting में पढ़ा था कि एक mold से आप एक ही product को develop कर सकते हो या एक ही बार casting कर सकते हो, उसके बाद वो जो mold होता है वो break कर दिया जाता है in case of sand casting. लेकिन यहाँ पर जो डाई है वो परमानेंट प्रोजेक्शंस है, परमानेंट कैविटीज है, दीज कैन बी यूज्ड मेनी टाइम्स, इनको कई बार यूज किया जा सकता है। क्लियर है यहां तक सभी को? तो देखिए होता क्या है इसमें, जो मोल्टन मेटल होता है, जो पिघला हुआ मटेरियल होता है, दिस मोल्टन मेटल इज इंजेक्टेड into the dye with high pressure ये जो molten metal है ये high pressure के साथ cavity में inject किया जाता है। इस high pressure के कारण हम कोई भी complex shape, थिन पार्ट इजिली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है,
तो होता क्या है, इस प्रोसेस में जो मटेरियल है हाई प्रेशर के साथ इंजेक्ट किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज प्रेशर डाई कास्टिंग। प्रेशर डाई कास्टिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर के साथ मोल्टन मेटल को मेटेलिक प्लेट्स में इंजेक्ट किया जाता है और वहां पर इसका सॉलिडिफिकेशन होता है। सॉलिडिफिकेशन के बाद आप जो प्रोडक्ट है उसको वहां से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो डाई कास्टिंग होती है या प्रेशर डाई कास्टिंग होती है, इसमें आपके पास में जो डाइज होती हैं उनके दो पार्ट होते हैं। एक आपका होता है फिक्स्ड पार्ट, या इसको कहते हैं कवर डाई। सेकेंड होता है आपका मूवेबल पार्ट, ठीक है। जो फिक्स्ड पार्ट होता है वो आपकी जो डाई कास्टिंग मशीन होती है उस मशीन के साथ ये अटैच्ड होता है, और जो मूवेबल पार्ट होता है दिस इज फॉर इजेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो जो ये अरेंजमेंट होता है आपका दो पार्ट में होता है, एक आपकी फिक्स पार्ट हो गई, दूसरी आपकी कवर डाई हो गई, जिसके द्वारा आप जो प्रोडक्ट है मूवेबल पार्ट के द्वारा आप प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हो। फिक्स पार्ट अटैच होता है आपकी डाई कास्टिंग मशीन के साथ में। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज यूज फॉर मास प्रोडक्शन। इस प्रोसेस का यूज हम मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं। मास प्रोडक्शन मतलब कि बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाना, और इस प्रोसेस के द्वारा आप हाई एक्यूरेसी विद रिक्वायर्ड टॉलरेंसेस, मींस जो आपकी डायमेंशंस की एक्यूरेसी होती है, आप क्लोज्ड डायमेंशनल एक्यूरेसी के साथ इस मेथड के द्वारा प्रोडक्ट को अचीव कर सकते हो। तो ये डाई कास्टिंग से रिलेटेड सारी चीजें थी। डाई कास्टिंग इसके द्वारा जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं ये 25 ग्राम से लेकर के 7 केजी और अलग अलग साइज में भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। मींस इस साइज के प्रोडक्ट को हम डाई कास्टिंग के द्वारा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इस मेथड को डाई कास्टिंग के लिए आपके पास दो तरीके के अरेंजमेंट्स होते हैं। एक होता है हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन, और दूसरी होती है कोल्ड चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन, ठीक है। उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा भी था कि व्हाट इज हॉट चैम्बर प्रोसेस एंड कोल्ड चैम्बर प्रोसेस। देखिए उसने पूछा था कि विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच, तो आपको क्या करना है हॉट चैम्बर प्रोसेस का और कोल्ड चैम्बर प्रोसेस का स्केच बना करके जो मेन पार्ट्स हैं उसको डिस्कस कर देना। डाई कास्टिंग का जो पहला मेथड है वो है हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो देखिए हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग में क्या है आपका, सबसे पहले ये आपका बर्नर है, दिस वन मेटल पॉट, ये आपका मोल्टन मेटल दिया हुआ है जिसको आप हीट करके मेल्ट करते हैं, दिस वन इज प्लंजर, ये आपका गूजनेस इंजेक्टर है, दिस वन इज फिक्स्ड डाई, ये आपकी मूविंग डाई है, फिक्स्ड डाई और स्टेशनरी डाई दोनों एक ही चीज है, ये आपके
इजेक्टर पिंस है, दिस वन इज नोजल और ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था डाई कास्टिंग करने के दो मेथड या दो अरेंजमेंट होते हैं, पहला हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग और दूसरा होता है कोल्ड चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये जो अरेंजमेंट है आपका, ये हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग का अरेंजमेंट है, गूज नेक एयर टाइप प्लंजर, एयर टाइप प्लंजर यहां पर यूज किया गया है, ये एयर प्रेशर के द्वारा गवर्न होता है। ठीक है, जैसे कि डाइकास्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मटेरियल को मेल्ट करके हाई प्रेशर के साथ हम मोल्ड कैविटी में इंजेक्ट करते हैं, सिमिलर उसी मेथड के थ्रू हम हॉट चैम्बर प्रेशर डाइकास्टिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या है आपका, ये एक मेटल पॉट है, इस मेटल पॉट में सॉलिड मटेरियल रहता है जिसको आप बर्नर के द्वारा हीट करते हैं, मेल्ट करते हैं। इसमें एक ये फ्लोटिंग टाइप गूजनेक है, ये आपकी गूजनेक को होल्ड करने के लिए ऑपरेटिंग लिंक है। ठीक है, तो होता क्या है कि इस मेटल पॉट में आपका मटेरियल होता है जिसको आप बर्नर के द्वारा हीट करते हो, प्लंजर के द्वारा गूजनेक में आप हाई प्रेशर क्रिएट करते हो, ये गूजनेक को मटेरियल यहां से मिलता रहता है, जब प्लंजर डाउनवर्ड मोशन में आएगा नीचे की तरफ जाएगा तो ये इस मेटल पे एक फोर्स लगाएगा और इस फोर्स के द्वारा जो ये आपका मटेरियल है हाई प्रेशर पा करके इस कैविटी में इंजेक्ट होगा थ्रू नोजल। यहां पर आपकी सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस होगी, जैसा कि हमने डाई कास्टिंग में डिस्कस किया था, सॉलिडिफिकेशन होगा। इस प्रोसेस को होने में बहुत ही शॉर्ट टाइम, अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक का टाइम लगता है, तो इसका साइकिल टाइम जो बहुत कम है, इसी कारण इसका प्रोडक्शन रेट बहुत ही ज्यादा है। आप मान के चलिए लगभग 350 से 400 प्रोडक्ट आप एक मिनट में बना सकते हैं, इसका जो प्रोडक्शन रेट है वो हाई होने के कारण, और काफी एक्यूरेसी भी मिलती है। यहाँ से मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो फिनिश्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जब सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, इजेक्टर पिंस, ये डाई ओपन होती है, इजेक्टर पिंस के द्वारा इस मटेरियल को यहाँ पर, इस प्रोडक्ट को रिमूव कर लिया जाता है और डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा मेथड है और ये सिंपल सा डायग्राम है जो आपको बनाना है। तो देखिए ये हो गया हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग, किसके लिए यूज करते हैं, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉयज, इसको यूज करते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉयज के लिए। कौन कौन से, जैसे कि जिंक हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, जिनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, उन सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। प्रोडक्शन रेट काफी हाई है, एक्यूरेसी, डायमेंशनल एक्यूरेसी, सरफेस फिनिश एज कंपेयर टू सैंड कास्टिंग, इस कास्टिंग में बहुत ही बेटर सरफेस फिनिश होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके बारे में डिस्कशन हो गई यहां पर हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग की। अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे कोल्ड चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग। अच्छा देखिए, एक चीज और देखिए, होता क्या है कि ये जो गूजनेक है, इस गूजनेक में इस प्रोसेस को हम क्यों नहीं यूज करते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए, क्योंकि होता क्या है कि ये जो गूजनेक है, इस गूजनेक में आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो नेचर होता है वो स्टिकिंग, चिपकने वाला नेचर होता है, एल्यूमिनियम इसके गूजनेक में चिपक जाती है जिसके कारण यहाँ पर इरोजन हो जाता है, तो इसलिए हम हॉट चैम्बर प्रोसेस को यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हॉट चैम्बर प्रोसेस में जो फर्नेस होती है वो इस सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देखेंगे कोल्ड चैम्बर, वो है आपका
पहला जो मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया वो था हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग, जिसमें हमने देखा कि इस अरेंजमेंट में आपका एक फर्नेस होता है, उस फर्नेस में आपकी एक गूजनेक होती है जो कि उस फर्नेस में फ्लोट करती रहती है, और वो गूजनेक कनेक्टेड होती है आपकी डाई से, और प्लंजर के द्वारा आप फोर्स लगा करके मोल्टन मेटल को फोर्स करते हो कैविटी में। ठीक है, होता क्या है कि जो हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग है ये जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज के लिए यूज की जाती है, जैसे कि जिंक हो गया, टिन हो गया या लेड हो गई। तो जो ऐसे मटेरियल्स जिनके मेल्टिंग पॉइंट हाई हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उनको हम हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग के द्वारा कास्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या है, देखिए कि जो गूजनेक होती है वो कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में रहती है मोल्टन मेटल के, और एल्यूमिनियम का जो नेचर होता है वो स्टिकिंग नेचर होता है, वो क्या होती है, गूजनेक में स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, जिसके कारण जो आपकी गूजनेक है वो इरोड होती है। तो इससे क्या होती है, आपकी जो प्रोसेस होती है उसको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, मेथड यूज करते हैं कोल्ड चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग मेथड। ये भी सिमिलर ही है, इसमें भी मटेरियल को हाई प्रेशर के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है कैविटी में, और बट इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये यूज किया जाता है हाई मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया। इसमें क्या होता है, आप मटेरियल को, ये आपका मेटल है, दिस इज मोल्टन मेटल, इस मेटल को सेपरेटली एक फर्नेस में मेल्ट किया जाता है, लैडल के द्वारा फर्नेस से मटेरियल को हम वहां से मटेरियल लेते हैं। ये जो लैडल है ये मैनुअल हो सकती है या ऑटो लैडल हो सकती है, जो कि रोबोटिक्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। मटेरियल को लैडल से लेकर के हम इस अरेंजमेंट में प्रोवाइड करते हैं। दिस चैम्बर इज नोन एज शॉर्ट चैम्बर, ये आपका प्लंजर है। प्लंजर का काम क्या होता है कि जो लैडल के द्वारा मटेरियल आ रहा है उस मटेरियल को शॉर्ट चैम्बर में हाई प्रेशर जनरेट करके आपकी जो कैविटी है वहां तक पहुंचाना। ठीक है, यहां पर देखिए दो पार्ट में मैंने आपको ड्रॉ कर दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो ब्लैक कलर से बना हुआ है दिस इज नोन एज स्टेशनरी और फिक्स्ड और कवर डाई। जैसा कि मैंने डाई कास्टिंग में आपको पहले भी बताया कि ये क्या होती है, ये फिक्स्ड पार्ट होती है एंड इट इज अटैच्ड विद द कास्टिंग अरेंजमेंट। सेकेंड जो पार्ट है आपका वो है मूवेबल और इजेक्टर यूनिट। ठीक है, इसका काम क्या होता है, कास्टिंग को रिमूव करना, ये आपके दो पिंस लगे हुए हैं जिनको कहते हैं हम इजेक्टर पिंस। ठीक है, और ये रेड कलर से जो बना हुआ है आपका अरेंजमेंट चैनल है, ये दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये नॉमेनक्लेचर हो गया सारे पार्ट्स का, कौन कौन से पार्ट इस मशीन के लिए हुए। यहां पर क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, अब देखिए होता क्या है। अच्छा, ये जो डाई बनी हुई है ये हार्डेंड स्टील्स की बनी होती है, इन डाई में मोल्ड की कैविटी होती है। अच्छा, इस डाई के साथ में इजेक्टर पिंस लगे हुए हैं, कूलिंग अरेंजमेंट्स भी होते हैं इनमें, क्योंकि जो आपकी कास्टिंग है उसको आपको क्विकली कूल करना है, कूलिंग प्रोविजन प्रोवाइड किया जाता है, कुछ वेंट्स होते हैं ताकि कोई गैसेस इसमें अगर जनरेट हो रही है, इनकेस वैसे तो प्रेशर डाई कास्टिंग में गैसेज जो होती है बहुत मिनिमम जनरेट होती है, फिर भी यहाँ पर प्रोविजन प्रोवाइड किया जाता है। ये आपके इजेक्टर पिंस लगे हुए हैं। अब देखिए ये प्रोसेस होती कैसे है, जैसा मैंने आपको बताया ये अरेंजमेंट हो गया, सारे पार्ट्स का डिस्कशन हो गया, लैडल
से हम मटेरियल लेकर के आए, फर्नेस के द्वारा लेडर से मटेरियल लेकर के आए मैनुअली या ऑटो लेडर के द्वारा, मटेरियल को पोर किया गया, मटेरियल पोर हुआ, पर्टिकुलर जितना भी आपके जो जो साइज है प्रोडक्ट का, वो साइज के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मेटल पोर हुआ, प्लंजर जो कि हाइड्रोलिकली गवर्न्ड है, वो प्लंजर एक हाई प्रेशर क्रिएट करता है और ये हाई प्रेशर मोल्टन मेटल को फोर्स करता है कैविटी की तरफ, जहां पर नोजल लगा हुआ है, जिस नोजल के द्वारा ये मटेरियल इस कैविटी में पहुंच जाता है जहां पर इसका सॉलिडिफिकेशन होता है और कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको फिनिश्ड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, क्लियर है आप यहां पर। अब इसको कोल्ड चैम्बर प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो मटेरियल है उसको हम सेपरेटली मेल्ट करते हैं, अलग से मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने के बाद फिर इस कैविटी में प्रोवाइड किया जाता है। इसके द्वारा लगभग 300 से 350 केजी तक की कास्टिंग बनाई जा सकती है। ठीक है, कहां पर एप्लीकेशन होता है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाए जाते हैं, केसिंग्स बनाई जाती हैं, इस तरीका के कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। नोट्स में और भी डिटेल में मैंने एप्लीकेशंस मेंशन कर दिया है। तो ये आपका कोल्ड चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग का डिस्क्रिप्शन हो गया। उसने आपसे पूछा है डिफरेंशिएट विद हेल्प ऑफ नीट स्केच, तो आप ये स्केच बना देंगे। इस स्केच के द्वारा आप बताएंगे कि इन दिस मेथड द फर्नेस इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस यूनिट। आप देख रहे हो जैसा कि आपने हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग में क्या देखा था कि एक फर्नेस लगी हुई है, उस फर्नेस में गूजनेक फ्लोट होता है और उसी गूजनेक में मटेरियल को हम प्रोवाइड करते हैं और हाई प्रेशर के द्वारा मटेरियल इंजेक्ट किया जाता है। इन दैट केस जो फर्नेस होती है वो इंटीग्रल पार्ट होती है उस यूनिट का। क्लियर है, तो इतना आपको इसके क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग। नेक्स्ट इसी में पूछा था उसने इंजेक्शन मोल्डिंग, ठीक है, तो डिस्कस करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग ये प्रेशर डाई कास्टिंग की तरह ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मटेरियल को हाई प्रेशर के साथ कैविटी में इंजेक्ट किया जाता है। अच्छा, यहां पर जो मेटल है, यहां पर जो मटेरियल है वो कोई लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉय नहीं है। यहां पर जो मटेरियल है वो प्लास्टिक है, तो बेसिकली ये जो इंजेक्शन मोल्डिंग है वो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में यूज की जाती है। किन किन प्लास्टिक्स में, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में एंड थर्मोप्लास्टिक्स में। प्रेशर डाई कास्टिंग की तरह ही ये भी एक हाई प्रोडक्शन रेट, ये एक हाई प्रोडक्शन रेट को जनरेट करने वाली प्रोसेस है जिसमें हम लगभग 50 ग्राम से लेकर के 25 केजी तक के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहां से बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, फिनिश्ड फॉर्म में होता है। तो आइए देखते हैं इसकी प्रोसेस की डिस्कशन करते हैं कैसे ये प्रोसेस की जाती है। ये एक इसका अरेंजमेंट है इंजेक्शन मोल्डिंग का, देखेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये आपका प्लास्टिक ग्रैनुअल्स हैं, प्लास्टिक ग्रैनुअल्स हैं, ये आपका प्लंजर है, दिस वन इज हीटिंग चैम्बर, दिस वन इज नोजल, ये फिक्स्ड डाई, दिस वन इज मूवेबल डाई और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट जो निकलेगा आपका कुछ इस तरीके का है। ये
ये तो नॉमेनक्लेचर हो गया सारे पार्ट्स के बारे में। अब देखिए होता क्या है कि जो प्लास्टिक्स है इसको हम ग्रेनुअल्स, ग्रेनुअल्स मतलब दानों के फॉर्म में, छोटे छोटे दानों के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं क्रशिंग करके। इसको फीड किया जाता है हॉपर के थ्रू। हॉपर से ये जो दानेदार प्लास्टिक है, ग्रेनुअल्स प्लास्टिक है, ये सप्लाई होती है आपकी हीटिंग चैम्बर में, जहां पर इस मटेरियल को हीट किया जाता है और ये पहुंच जाती है ग्लास ट्रांजिशन स्टेट में। ठीक है, एक पेस्ट की तरह कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो फ्लूड होता है ये आपका विस्कस फ्लूड हो जाता है। ठीक है, विस्कस फ्लूड कह लीजिए या विस्कस प्लास्टिक। मटेरियल को दानों के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ग्रेनुलर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया, फीड किया हीटिंग चैम्बर में, जहां पर इसके टेम्परेचर को हीट किया जाता है ग्लास ट्रांजिशन स्टेट में, ताकि ये विस्कस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और फिर ये हाई प्रेशर के साथ प्लंजर के द्वारा, हाई प्रेशर लगभग कितना, 70 मेगा पास्कल से लेकर के लगभग 200 मेगा पास्कल तक का प्रेशर अप्लाई किया जाता है इस विस्कस फ्लूइड पे। और नोजल के द्वारा होता हुआ हाई प्रेशर से ये मटेरियल कैविटी में इंजेक्ट हो जाता है, जहां पर इसका सॉलिडिफिकेशन होता है और प्रोडक्ट को वहां से रिमूव करके हम अपने जो है यूज में लाते हैं। तो ये थर्म, ये जो प्रोसेस हो गई आपकी इंजेक्शन मोल्डिंग की प्रोसेस हो गई। ठीक है, छोटे छोटे जो प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, टॉयज बनते हैं, प्लास्टिक के कई सारी केसिंग्स आती हैं, वो सारे हम इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में मेंशन करनी थी। तो इसने पूछा क्या था, क्या था आपसे, डाई कास्टिंग के बारे में पूछा था, हॉट चैम्बर कोल्ड चैम्बर पूछा था, और पूछा था इंजेक्शन मोल्डिंग। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लगेगा। तो हमने सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया, हॉट चैम्बर कोल्ड चैम्बर में डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया। बेसिक डिफरेंस क्या है, हॉट चैम्बर में जो फर्नेस होती है वो उस सेटअप का इंटीग्रल पार्ट होती है, कोल्ड चैम्बर में ऐसा नहीं होता है। कोल्ड चैम्बर में मटेरियल को अलग मेल्ट किया जाता है, वहां से हम मटेरियल को लैडर के द्वारा लाते हैं। हॉट चैम्बर की जो प्रक्रिया होती है ये जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज जैसे जिंक हो गया, टिन हो गया और लेड हो गया, इनके लिए यूज करते हैं। और जो आपका कोल्ड चैम्बर प्रोसेस है ये हाई मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज जैसे एल्यूमिनियम है, ब्रास है, इनके लिए यूज करते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी थी, इसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। ठीक है, उसने पूछा था व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड, ये पूछा गया था एसएससी जेई 2012 में 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स में पूछा गया था एसएससी जेई 2012 में 15 मार्क्स में। क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। तो लिखेंगे हम इसका आंसर, द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड आर एज फॉलोज। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, फर्स्ट होती है रिफ्रैक्टरीनेस, सेकंड हो गई परमीएबिलिटी, थर्ड हो गई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में आपकी ग्रीन स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ और हॉट स्ट्रेंथ। ठीक है, रिफ्रैक्टरीनेस हो गई, परमीएबिलिटी हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, हार्डनेस हो गई, फ्लोएबिलिटी हो गई, फिर हो गया आपका थर्मल स्टेबिलिटी,
नेक्स्ट होगी आपकी एडहेसिवनेस, कोहेसिवनेस, कोलैप्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई आपकी सैंड की, रिफ्रैक्टिवनेस, परमेबिलिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, फ्लोएबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, एडहेसिवनेस, कोहेसिवनेस और कोलैप्सिबिलिटी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आप लिखना चाहें उसको भी ऐड कर लीजिए, ये कहलाती है ग्रेन फाइननेस नंबर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, पहले आप सारी प्रॉपर्टीज एक जगह मेंशन कर दीजिए, क्योंकि देखिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप ये 10 प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम 10 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें। तो आप क्या करिए कि पहले ये सारी प्रॉपर्टीज मेंशन कर लीजिए, तो एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, और इनमें से कोई 5 प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी जो शॉर्ट में आप डिस्कस कर सकते हैं उसको डिस्कस कर लीजिए। तो आइए हम बारी बारी से एक ही प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो वहां पर वो आपको सारी थ्योरी मिल जाएगी, क्योंकि बोर्ड पर लिख पाना पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप वीडियो में ये सारी चीजें देखें कि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, तो इसका PDF आपको इजीली अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिवनेस। रिफ्रैक्टिवनेस क्या होता है, ये सैंड की वो एबिलिटी होती है जो ये बताती है कि सैंड क्या करे, जो हॉट मोल्टन मेटल है, हॉट मोल्टन मेटल के हाई टेम्परेचर को क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके। ठीक है, तो सिंपली लिखते हैं हम रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टी में कि इट इज अ प्रॉपर्टी विच कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर ऑफ हॉट मोल्टन मेटल। होता क्या है कि भाई जो आपकी सैंड है वो अगर हॉट मोल्टन मेटल के टेम्परेचर को रेजिस्ट नहीं करेगी, फ्यूज हो जाएगी, तो जो आपका प्रॉपर कास्टिंग का शेप है आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी है परमियबिलिटी। परमियबिलिटी क्या कहती है, इट ये परमियबिलिटी क्या है, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, इन सैंड पार्टिकल्स के बीच से जो आपकी गैसेस जनरेट हो रही है ड्यूरिंग कास्टिंग, वो रिमूव हो जाए, निकल जाए इजिली, कहीं पर भी ट्रैप ना हो, दैट इज नोन एज परमिएबिलिटी। प्रॉपर्टी ऑफ सैंड विच अलाउज द पासेज ऑफ गैसेज जनरेट ड्यूरिंग द कास्टिंग। कास्टिंग के दौरान जनरेट होने वाली जो गैसेज हैं उनको निकलने के लिए पासेज जो प्रोवाइड करती है वो कहलाती है परमिएबिलिटी। इसको हम परमिएबिलिटी नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हार्डनेस। हार्डनेस क्या है, ये सरफेस प्रॉपर्टी है। सरफेस प्रॉपर्टी, जैसे हम इस बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये इसके सरफेस पे हम पेनिट्रेट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है कि ये हमारे स्ट्राइक को रेजिस्ट कर दे जा रही है, तो हार्डनेस क्या कहलाती है, सरफेस प्रॉपर्टी है। और ये क्या कहलाती है, कहती है कि रेजिस्ट टू पेनिट्रेशन, इट इज अ प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट पेनिट्रेशन और इंडेंटेशन। ये हार्डनेस नंबर के फॉर्म में इसको हम फाइंड कर सकते हैं, हार्डनेस नंबर 0 से लेकर के 100 तक के स्केल पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है स्ट्रेंथ। होता क्या है, जब सैंड में मॉइस्चर मिलाया जाता है लगभग 2-6% तक, 2-6% तक मॉइस्चर मिलाया जाता है जब सैंड में, तो इस सैंड को हम कहते हैं ग्रीन सैंड। दिस सैंड इज नोन एज ग्रीन सैंड। एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था ग्रीन सैंड इज नोन एज ग्रीन, तो यहां पर आंसर था जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मॉइस्चर, इसके मॉइस्चर के कारण इसको ग्रीन सैंड कहते हैं। तो 2-6% जब मॉइस्चर कंटेंट होता है सैंड में, तो इस सैंड को कहा जाता है ग्रीन सैंड। और मोल्डिंग सैंड की
ability at that time to create the shape of pattern, उस pattern का shape लेने के लिए यहां पर जो ability होती है उसको कहते हैं हम green strength, ठीक है, clear है, ये कहलाएगी green strength. Next होती है आपकी, फिर देखिए होता क्या है, जैसे ही molten metal आपकी उस mold cavity में आता है तो molten metal के heat के कारण जो sand है आपकी उसका मॉइस्चर रिमूव होता है, तो सैंड कैसी हो जाती है, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, तो ये सैंड हो जाती है ड्राई. तो इस टाइम पर भी हमारे मोल्ड के पास में स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो मोल्टेन मेटल को होल्ड कर सके. तो स्ट्रेंथ एट दैट टाइम इज नोन एज ड्राई स्ट्रेंथ, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि आप मटेरियल आपका जो मोल्टन मेटल है वो सॉलिड की तरफ बढ़ रहा है और जो सैंड है आपकी वो ड्राई हो चुकी है, तो हीट ट्रांसफर के कारण सैंड भाई अभी भी जो हीट है मोल्टन मेटल की वो एब्जॉर्ब कर रही है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट ट्रांसफर हो रहा है. तो उस पॉइंट पर क्या होता है कि आपकी जो सैंड है वो ड्राई तो हो चुकी है लेकिन अभी भी इसको सफिशियंट स्ट्रेंथ चाहिए ताकि वो रेजिस्ट कर सके, किसको, रेजिस्ट द टेम्परेचर ऑफ किसका, हॉट मेटल, उस हॉट मेटल के टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके. और वहां पर वो क्या करे कि जो मटेरियल में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो उस कॉन्ट्रेक्शन को वो अपोज ना करे, रोके नहीं. अगर वो कॉन्ट्रेक्शन को अपोज करेगी, रोकेगी, तो आपकी कास्टिंग में डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, हॉट क्रैक्स के नाम से यहां पर डिफेक्ट डेवलप हो जाती है, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडहेसिवनेस. ठीक है, एडहेसिवनेस क्या होता है, ये होता है आपका डिससिमिलर पार्टिकल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स. डिससिमिलर पार्टिकल्स के बीच लगने वाले जो फोर्स को कहते हैं हम एडहेसिवनेस, ठीक है, एडहेसिव फोर्सेस कहलाते हैं. अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है, एडहेसिव, ठीक है, एडहेसिव फोर्सेस कहलाते हैं. और एडहेसिवनेस क्या कहलाता है, जो सैंड के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर एडहेसिवनेस क्यों होना चाहिए, ताकि जो आपकी मोल्डिंग फ्लास्क है उस मोल्डिंग फ्लास्क के साथ ये सैंड स्टिक कर सके, ये सैंड क्या कर सके, चिपक सके और आपके पैटर्न का प्रॉपर शेप ले सके. तो ये मेटल है, मोल्डिंग फ्लास्क है जो कि वुड का बना सकता है या मेटल का बना सकता है, और ये सैंड पार्टिकल्स हैं, तो डिससिमिलर मटेरियल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, ताकि आप पर्टिकुलरली उन दोनों को जो आपका शेप है वो रिटेन हो सके, तो दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिवनेस. नेक्स्ट होता है कोहेसिवनेस. कोहेसिवनेस क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सिमिलर पार्टिकल्स. कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं. तो ये क्या कह रहा है यहां पे कि जो सैंड है इन सैंड पार्टिकल्स के बीच में भी अट्रैक्शन होना चाहिए, मींस ये सैंड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्टिक हों, जुड़ जाएं. क्लियर है, बात आ रही समझ में, ताकि जो पैटर्न का शेप है उसको ये अचीव कर सके. अगर ये इन दोनों के बीच में आपस में ही इंटरेक्शन नहीं होगा, आपस में ही अटैचमेंट नहीं होगा, तो जो पैटर्न का शेप है वो सैंड अचीव नहीं कर पाएगी और हमारा प्रॉपर मोल्ड कैविटी नहीं बन पाएगा. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कोलैप्सिबिलिटी. कोलैप्सिबिलिटी
देखिए जो एडहेसिवनेस है कोहेसिवनेस है ये ड्यूरिंग मोल्डिंग काम करती है, और कोलैप्सिबिलिटी ये आफ्टर सॉलिडिफिकेशन काम करती है। ठीक है, जैसा अभी हम लोगों ने हॉट स्ट्रेंथ में डिस्कस किया था कि जब आपका मटेरियल सॉलिडिफिकेशन हो जाता है और रूम टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रही होती है, फ्रीजिंग पॉइंट से रूम टेम्परेचर तक जब प्रक्रिया बढ़ रही होती है, तो जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं इनको ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाना चाहिए एक दूसरे के साथ में, ताकि जो फ्री कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो रुके नहीं, और अगर वो रुक जाता है तो वहां पर भी हमारी कास्टिंग की डिफेक्ट क्रिएट हो जाती है, जो मैंने पहले भी आपको हॉट स्ट्रेंथ में डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं इनके अंदर फ्लोएबिलिटी होना चाहिए। फ्लोएबिलिटी का मतलब कि जैसे ये पैटर्न है, हमने इस पैटर्न पे अगर मोल्डिंग सैंड को स्प्रेड किया तो ये इजिली हर कॉर्नर्स पे हर शेप पे पहुंच जाए, जैसा भी पैटर्न का शेप है उस पैटर्न के हर एक्सट्रीम पॉइंट पे सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे पहुंच जाए, फ्लोएबल हो, इजिली पहुंच जाए, ताकि जो आपके पैटर्न का शेप है उसको ये रिटेन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रेन फाइननेस नंबर। ये क्या है, ये एवरेज ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एवरेज ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसके द्वारा, AFS के द्वारा। AFS मतलब अमेरिकन फाउंड्री सोसाइटी। अमेरिकन फाउंड्री सोसाइटी ने क्या किया, अलग अलग जो ग्रेन्स होते हैं जैसे सिल्का ग्रेन्स है या जिरकोनिया है, ये अलग अलग ग्रेन्स को इसने इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड टेस्ट किया और उसके अकॉर्डिंगली AFS नंबर प्रोवाइड कर दिया। तो ये क्या है, एवरेज ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ग्रेन फाइननेस नंबर। और फिर नेक्स्ट है आपका थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब कि जब हॉट मोल्टन मेटल आ रहा है उस समय पर ये मटेरियल, ये जो आपकी सैंड है वो मटेरियल में से जो हीट है उसको एक्सट्रैक्ट करे, थर्मली उसको अपने से पास करे और सारे पार्टिकल्स के द्वारा उस हीट को रिमूव करे, और उस टाइम पर इसकी स्टेबिलिटी जो है थर्मली वो स्टेबल हो, ऐसा ना हो कि वहां पर भी मटेरियल में कोई फ्यूज होने की पॉसिबिलिटीज हो। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपको मोल्डिंग सैंड में डिस्कस करनी है। PDF मैं इसका प्रोवाइड कर दूंगा, 2012 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कशन किया, जब मैं कास्टिंग के लेक्चर में इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा तो इसके बारे में और भी अच्छे से डीपली डिस्कशन होगा। अभी ये हम यहाँ पर SSC मेंस के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। कास्टिंग से बेसिकली 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं, नेक्स्ट बचे हुए 2 क्वेश्चन हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।